सबसे पहले हमें दिखाई जाती है हमारे अर्थ पर फ्लोरिडा में स्वैप मॉन्स्टर की दलदल। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट इनिशिएटिव टीम को, जिसमें थे एक्वारिन, द कॉन्किस्टेडर, जेनिफर केल और द सीज, जहां पर द सीज कह रहा था हमें रिपोर्ट मिली है कि यहां पर म्यूडन हॉस्टाइल्स है प्लस एक कॉस्ट्यूम, और उस कॉस्ट्यूम के साथ शायद माइंड पपेटिंग नॉर्म्स भी है, तो अपना टारगेट कन्फर्म करो उस हॉस्टाइल पर इससे पहले कि वो लोगों को एंगेज कर दे। और ऑरेंज कंट्री की लाइन इससे थोड़ी दूर है और मैं इन बुरे लोगों को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता। जेनिफर केल आगे पूछती है, केली तुम्हारा ऑब्सेशन क्या कहता है ऑरेंज लैंड को प्रोटेक्ट करने और ऑरलैंडो के बारे में, क्योंकि तुम एक साइबॉर्ग हो या फिर कोई एनिमेट्रॉनिक। और वो आगे कहती है, वंडर तुम्हें मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। और केली आगे कहता है, देखो वहाँ पर एक सिविलियन है, और उस सिविलियन के पास बढ़कर कहता है, ठीक है मैम यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हम आपको लेने आए हैं। सीज आगे कहता है, हम सुपर ही। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, वो सिविलियन जो कि जॉम्बी थी उसके आधे चेहरे पर काट लेती है, और दूसरी तरफ द कॉन्किस्टेडर को जॉम्बीज घेर लेते हैं। तब तसीज की मदद करते हुए जेनिफर केल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस जॉम्बी को मार देती है और कहती है, रुको हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। और तब कॉन्किस्टेडर उन जॉम्बी से लड़ते हुए कहता है, या आखिर हो क्या रहा है और ये चीज़ें कौन है। तब एक जॉम्बी कॉन्किस्टेडर को मार कर कहता है, इसके नसों में पानी भरा हुआ है। तब कॉन्किस्टेडर कहता है, हाँ ये एक ब्लेस्ड वाटर है तुम जैसे डीमन से बचने के लिए। तब वो जॉम्बी कहता है, ये किसी काम का नहीं। जिस पे जेनिफर केल वंडर को कहती है, वंडर कुछ करो। तब वो कहता है, लेकिन हम हीरोज हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनसे पहले बात करनी चाहिए। तब कॉन्किस्टेडर को वो जॉम्बीज मार देते हैं, जिस पे जेनिफर केल कहती है, क्या तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते। तब एक परचाई कहती है, उनके पास इस डायमेंशन में ड्यूस एक्स मशीना है और ऐसा लगता है अब एक जॉब है द मर्स विद द हाफ माउथ के लिए। और हर मैजिक स्कूल में मैं फेल होता रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत थी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंड्स की, उसके लिए जो मैं करना चाहता हूँ। और वो छोटे छोटे नाइफ्स उनके तरफ फेंकता है जो जेनिफर केल को जाकर लगते हैं, और वो जाकर एक्वारिन को काट लेता है। तब एक्वारिन कहता है, जेनिफर केल ये हर्ट करता है। तब डेडपूल कहता है, अक्टूबर 1937 ये डिलीशियस है। तब जेनिफर केल अपने घाव पर पट्टी बांधकर कहती है कि ये डेडपूल है, इसे ही यहाँ होना था, ये कोई मिस्टिकल सिचुएशन नहीं कर सकता, पकड़ो इसे। तब एक्वारिन उसके हाथ काट देता है और उस पर डेडपूल कहता है, तुम अभी तक शांत और समझदार हो जब तक तुम एक फैन से हिट नहीं हो जाते, और तब तुम लोगों को मारते फिरोगे अपने एनर्जी बीम से। और वो कटाना से वार करता है एक्वारिन पर, लेकिन उसकी फोर्स फील्ड को तोड़ नहीं पाता। उस पर वो कहता है, अच्छी फोर्स फील्ड है। तब जेनिफर केल एक एयरबोट की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि उसे वहाँ पर फेंको। तब एक्वारिन वैसा ही करता है और एक लेजर बीम उसके आर पार कर देता है। तब डेडपूल कहता है, तुम्हें लगता है इससे मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, मुझ पर सिर्फ एक घाव होगा मेरे हीलिंग फैक्टर के बिना। तब जेनिफर केल एयरबोट का फैन चालू कर देती है और कहती है, इससे हील करके दिखाओ। और डेडपूल आकर उसी फैन पर गिरता है जिससे उसके मांस और खून के टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसमें से लगभग सारा खून जेनिफर केल के बॉडी पर गिर जाता है। तब एक्वारिन जेनिफर केल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वंडर इन्फेक्टेड हो चुका है जेनिफर केल, पर यकीन करो। और जॉम्बी बनकर कहता है, तुम्हें मार डालूंगा जेनिफर केल, तुम्हारी स्किन को निकाल कर मैं तुम्हारा। और फिर से नॉर्मल होकर कहता है, वंडर पर भरोसा रखो, ये इम्प्योरिटीज वो अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकता है। फिर जॉम्बी बनकर कहता है, तुम्हारा जूस निकाल कर। फिर नॉर्मल होकर कहता है, लेकिन उसे उसके लिए हाइबरनेशन में जाना होगा ताकि जेनिफर केल ठीक रह सके। और वो अपने हाइबरनेशन में चला जाता है, जिस पे जेनिफर केल कहती है, तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है वंडर, और मैं कैंप हॉमंड को बैकअप के लिए बुला रही हूँ। और वो आगे बढ़ने लगती है। तभी जॉम्बी बन चुका द सीज उसका पैर पकड़ कर कहता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है जेन। और वो वंडर को हेल्प के लिए बुलाने लगती है और साथ ही साथ एक घर के अंदर जाने लगती है। तभी द सीज का बायोलॉजिकल सिस्टम स्कैन करने लगता है निगेटिव साइन लाइफ। तब द सीज कहता है, जब मैंने इनिशिएटिव टीम पहली बार असाइन की बीएस यूनिट में, तब तुम एक ब्राइट स्पॉट थी क्योंकि तुम्हारे फाइल में फोटोज थी जिसमें तुमने बारबेरियन प्रिंसेस की ड्रेस पहनी थी। अब देखते हैं उसके नीचे क्या है।
उसके नीचे और उसके नीचे, लेकिन मुझे नहीं लगता तब तुम्हारे पास कुछ बचेगा। सीट का सिस्टम मैसेज दिखाता है बायोलॉजिकल यूनिट टर्न्ड बाय एक्स्ट्रा डायमेंशनल फोटोजेनिक एजेंट, और वो खुद को टर्मिनेट करने के ऑर्डर देता है, जिस पे सीज कहता है नहीं अभी मैं भूखा हूँ। लेकिन वो आधा मशीन होने की वजह से वो खुद को मारने पर मजबूर हो जाता है और वो अपनी बंदूक अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है, जो देखकर जेनिफर केल रोने लगती है। और सीज की रोबोटिक बॉडी मैसेज शो करता है ट्रबल शूटिंग मैसेज सेंट टू आर्मर सेंट्रल कमांड, और रिस्पॉन्स का वेट करने लगता है।